सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं इसमें राजस्थान में राजपूत बनाम दरअसल जाट वाला संघर्ष की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि राजपूतों को जाहिर सी बात है कि राजपूतों के बल पर ही ये करणी सेना का ये जो संगठन था वो चल रहा था और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते थे। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि तमाम जो सामाजिक संगठन है वो अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने समाज की तमाम जो इश्यूज होते हैं उनके लिए मुखर होते हुए नजर आते हैं। गोगा मेडी की अगर हम बात करते हैं तो ये उनमें से एक व्यक्ति थे, वो लगातार इस तरीके की जो तमाम मंच होते थे उनसे खुलेआम वो इस तरीके से मुखर होकर बातचीत भी करते थे। अब इसका कनेक्शन किसी तरीके से दो समाजों का कनेक्शन है या नहीं है, जैसा मैंने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं, लेकिन इसकी जो टाइमलाइन है संजय वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक सरकार जा चुकी है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, दूसरी सरकार बनने वाली है और ठीक उससे पहले इस तरह का घटनाक्रम होता है। ये भी कहा जा रहा है कि सीपी जोशी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अभी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार में सिक्योरिटी की डिमांड की थी गोगा मेडी साहब ने, लेकिन उनको दी नहीं गई। क्या ये कोई लापरवाही, कोई चूक है, कोई फेल्योर भी है? देखिए, ना सिर्फ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बल्कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है अपनी एक जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बाइट दी है, उसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन सुरक्षा दी नहीं गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस तरफ किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि क्या किसी तरह की कोई सुरक्षा मांगी गई थी, कब मांगी गई थी, क्या उनको किसी तरह का थ्रेट था, और अगर थ्रेट था तो ये अपने आप में राजस्थान पुलिस की अपने आप में बहुत बड़ी चूक है जिसका परिणाम राजस्थान को देखने को मिला है। क्योंकि राजस्थान में कभी भी इस तरह की वारदात देखने को नहीं मिली है कि घर में घुस के ताबड़तोड़ इस तरीके से फायरिंग कर दी जाती हो। आसपास के जो लोग हैं वो तो सकते में है, इस समय पूरा राजस्थान सकते में है, क्योंकि आमतौर पर राजस्थान में इस तरह की वारदात कभी भी नहीं देखने को मिली। बिल्कुल इस तरीके से, अगर ताबड़तोड़ गोलियां, आपको याद होगा पपला गुर्जर वाला जब थाने में उसने जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, पूरा राजस्थान चर्चाओं में आ गया था। उसके बाद अगर कोई दूसरा हत्याकांड इस तरीके से हुआ है या दूसरी वारदात हुई तो वाकई में हैरान करती है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है।